हाय, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अनीता। और आज मैं आपके लेके आई हूँ कच्चे आम के गटागट। कच्चे आम भी इस समय बाजार में बहुत आ रही है, तो चलिए इसका घर में ही गटागट बना लीजिए। बहुत ही अच्छे फ्लेवर इसमें डले हुए हैं, डाइजेशन के लिए वो सारी चीजें जो कि बहुत जरूरी है वो इसमें डाली हुई है। आपको जब भी कुछ लगता है हैवी तो आप ये खा सकते हैं, या आफ्टर डिनर वैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत जल्दी बनने वाली है। जो घर का सामान है उसी से ये हम तैयार करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ये टोटली फ्री है, तो इसमें कंजूसी किस बात की, और जो साथ में बेल बटन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक इजी ट्रिक के साथ। ये कच्चे आम की गोली कह लो या गटागट, एस यू विश, जो आप नाम देना चाहें। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए मैं आपको स्टेप बताती हूँ, बनाइए मेरे साथ ही और इंजॉय करिए ये गटागट घर के बने हुए। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, खट्टी आंबी की गटागट बनाने के लिए, आप आंबी की चटपटी गोली बनाने के लिए कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी मसाला तैयार करूंगी। ये मैंने तवा रख दिया है और यहाँ पे मैं एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, और थोड़ी सी मैं इसमें एक चम्मच के करीब ही सौंफ डाल रही हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें ऐड करी हैं, अजवाइन, जीरा और सौंफ। और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी और फिर इसको मैं ग्राइंड करूंगी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फायदेमंद है। तो अगर हम फायदे के लिए ही और बना रहे हैं और स्वाद भी है ही लाजवाब, तो हमें ये सारी चीजें, अजवाइन भी पेट के लिए ठीक है, सौंफ भी है और जीरा भी भूख को बढ़ाता है, तो ये तीनों चीजें जो है यूजफुल है। इसको मैं हल्का सा भून लूंगी और जैसे इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए खुशबू आने लगी है, अब यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। तवा अभी गर्म है लेकिन मैंने कंटिन्यू इसको चलाना नहीं, तो ये जल जाएगी। इसी पे मैं अभी इसको थोड़ी देर और रोस्ट करूंगी। देखिए, और फिर इसको ठंडा करके मैं पीसूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने तीन कच्चे आम ले लिए हैं, इसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, गुड़ कैसा भी चलेगा। इसको मैं छील के और कट कर लूंगी, इसको हमने ग्राइंड करना है और ये भी हम थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चलिए जब तक ये तैयारी करते हैं, हमारा मसाला भी ठंडा हो रहा है तब तक की हम ये तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने आम को छील करके कच्ची आंबी को और उसके छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ गुड़ भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, अब यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड करूंगी। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते हैं अगर नहीं हो रही। इसी में मैंने अभी चीनी पीसी है तो मैं यही वाला सेम ले रही हूँ। पहले मैं थोड़ा डालूंगी और इसको ऐसे ही बिना वाटर के थोड़ा पीसेंगे, अगर नहीं हो तो आप एक दो चम्मच डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा दो तीन चम्मच मैंने इसमें पानी डाले हैं, तो अच्छे से ये पीस गया, ज्यादा पानी मत डालिएगा। और यहाँ गुड़ भी हमारा कट चुका है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो इसमें, बस एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। और गैस को मीडियम टू स्लो रखूंगी मैं, बिल्कुल अभी स्लो है, मीडियम टू स्लो कर दूंगी इसको मैं। ये हो गया है, अभी थोड़ी सी डालूंगी यहाँ पे हींग, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा सा अरोमा आता है इसके लिए। ये करीब आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें हींग डाली है, थोड़ा सा दो मिनट इसको भूनने दूंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, आप बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। एक तो घर का अपना हाथ का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपने किस ढंग से बनाई है। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी ये जो कच्ची आंबी का फल, सारा मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और साथ ही डाल दूंगी मैं इसमें गुड़।
गुड़ मैंने थोड़ा सा कम लिया है, आप चाहो तो मीठा ज्यादा भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हो। क्वांटिटी उतनी है मेरी, बस माइनर सा कम है क्योंकि थोड़ा मीठा कम लेती हूँ। तो इसको साथ साथ मैं पकाऊंगी ताकि जितना भी वाटर रिलीज करना हो इसको गुड़ तो कर देगा और साथ ही साथ पक जाएगा, टाइम कम लगेगा मुझे इसमें। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और साथ साथ पका लूंगी। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, ये गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। और अगर चेक कर लीजिएगा कोई बड़े चंक्स हो तो उसको निकाल दीजिएगा, छोटे चंक्स चलेंगे। और अगर छानना चाहो आप पल्प को छान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छाना नहीं है, एक दो मोटे चंक्स थे मैंने उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं आप थोड़े मसाले ऐड करने जा रही हूँ, तो वही करूंगी जो मैंने अभी रोस्ट किए थे, ये मैं सारे ही डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पे काला नमक, ये भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन में। और थोड़ी सी ही इसको एक अच्छा सा टिंट देने के लिए, स्पाइसी टिंट देने के लिए यह है काली मिर्च बस। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और इसे जब तक पकाऊंगी जब तक ये थिक ना हो जाए अच्छे से। कंटिन्यू आपको चलाना है, गैस को तेज नहीं करना है आपको, नहीं तो गुड़ जल जाएगा फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, अब थोड़ी देर और लगेगी इसको जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए, तब तक आपने इसको पकाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से अब गाढ़ा हो गया है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार जैसा। और यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे लगे तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने टेस्ट कर लिया है, अगर हम इसको चेक करें तो हम एक थाली पे गिरा के देखेंगे, देखिए ये नहीं गिर रहा है तो इट मीन्स बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, मिलते हैं फिर ठंडा होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है, अब हम यहाँ पे इसको हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसकी गोलियां बनाएंगे जितनी आपको चाहिए इस तरीके की। अगर ये जरा सा भी पतला रह जाएगा तो फिर आपकी गोली नहीं बन पाएगी, तो देखने लिक्विड ही नहीं रहना चाहिए ज्यादा, इसका पानी पूरा सुखाना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे गोलियां बना लूंगी इसकी सारी, देखिए जितनी बड़ी आपको चाहिए, छोटी बड़ी मैं थोड़ी सी छोटी करने जा रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी फिर खाई नहीं जाएगी, बस इतनी आपको जैसी बनानी है आप इससे छोटी भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अब सारी बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इसको गोल करने के बाद आप यहाँ पाउडर शुगर में इसको कोट कर दीजिए, इससे क्या होगा एक तो टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, दूसरा क्या होगा कि ये जब आप रखेंगे किसी भी बॉक्स में तो वो आपस में चिपकेगी नहीं। देखिए बन गई ना बिल्कुल जैसे बाजार में मिलती हैं आपको, ये देखिए सेम वैसी है ना, फिर देरी किस बात की है। चलिए आइए बनाइए और अपने हाथ का बनाओ तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लग रहा है ये लिक्विड ही है नहीं बन पा रही तो आप ये शुगर का भी यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, बट अगर बिल्कुल आप इसको सुखा लोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं स्टिकी होंगी। देखिए देखिए पास से दिखाती हूँ, है ना परफेक्ट, और इसको देख के तो किसी के मुंह में पानी आ जाए। तो बनाइए ऐसे ही बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स कच्ची आंवी के खट्टे मीठे चटपटे मजेदार गटागट बनके हमारे बिल्कुल रेडी हैं, डाइजेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं। रात को आप आफ्टर डिनर एक खा लीजिए, आपको सारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ, है ना कितने मजेदार लग रहे हैं ना, बिल्कुल बाजार जैसे। और कितने हाइजीनिक ढंग से बनते हैं, जब आप कोई भी चीज अपने घर में बनाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन रहती है ये हमने बनाई और बहुत ही हाइजीनिक ढंग से। तो फिर देरी क्या है, बनाइए मेरी ट्रिक से मजेदार गटागट और
आनंद लीजिए खट्टे मीठे चटपटे टेस्ट का। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।